गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी प्लेन फिगर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल्स. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. प्लेस अ ज्योमेट्री बॉक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाइल पेपर ऑफ पीस ऑफ वाइट पेपर एंड होल्ड इट टाइटली विद योर लेफ्ट हैंड. विद योर लेफ्ट हैंड मार्क द बाउंड्री ऑफ द फेस टचिंग द पेपर विद अ पेंसिल एज शोन इन द फिगर. आपने एक पेपर लिया वाइट प्लेन पेपर और उसे ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर कवर कर दिया. द मार्किंग ऑन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगल. तो जो मार्किंग आएगी पेपर के ऊपर वो क्या आएगी, रेक्टेंगल्स को दिखाएगी. द मार्किंग ऑन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को दिखाएगी. क्यों? क्योंकि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है. Now we can say the following. हम क्या क्या कह सकते हैं. A rectangle has four sides. सबसे पहली चीज rectangle में क्या होती है, four side होती है. कौन कौन सी, वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, चार साइड होती हैं. सेकेंड, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ. अपोजिट साइड जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं. ये और ये बराबर होंगी और ये और ये बराबर होंगी. इट हैज फोर वर्टिसेज और कॉर्नर. और इसमें क्या होते हैं, फोर वर्टिसेज और कॉर्नर होते हैं. स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर लेते हैं. प्लेस अ डाई ऑन अ पेपर ऑफ योर एक्सरसाइज बुक. अगेन वही सेम चीज कि आप एक पेपर रखिए, उस पेपर से उसको कवर कीजिए. तो उससे क्या होगा, उससे जो निकल कर आएगी, क्या शेप निकल कर आएगी, जो मार्किंग्स निकल कर आएंगी आपके पेज के ऊपर, दैट विल बी अ स्क्वायर. अगेन इट विल हैव फोर साइड्स. इसकी चार साइड होंगी. बस फर्क क्या है, यहां पर आमने सामने की साइड्स बराबर थी, यहां पर चारों साइड्स बराबर हैं. ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. यहां पर चारों साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं. इट हैज फोर वर्टिसेस और कॉर्नर्स. सेम फोर वर्टिसेस और कॉर्नर इसमें है. ट्राइंगल. प्लेस अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑन अ वाइट पेपर. एक ट्राइंगुलर प्रिज्म को हमने एक वाइट पेपर पर रखा. शोन इन द पिक्चर होल्डिंग इट टाइटली विद योर लेफ्ट हैंड. मार्क द बाउंड्री ऑफ इट्स फेस ऑफ द बेस लाइंग ऑन द पेपर. एक हमने इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म को पेपर के ऊपर रखा और उसकी बाउंड्रीज को हमने मार्क किया. तो क्या निकल कर आएगा, यू विल गेट अ प्लेन फिगर एज शोन. एक प्लेन फिगर निकल कर आएगा, दैट विल कॉल्ड ट्राइंगल. वी कैन से द फॉलोइंग. यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेज होती हैं. एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल इन लेंथ. ट्राइंगल की साइड्स बराबर भी हो सकती हैं, दो भी बराबर हो सकती हैं, तीनों बराबर हो सकती हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, जिसके आधार पर हम ट्राइंगल्स को डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ लास्ट वन इज सर्कल. प्लेस अ वन रुपी कॉइन ऑन अ वाइट पेपर. एक रुपए के एक सिक्के को हमने एक वाइट पेपर पर रखा. होल्ड इट टाइटली, इसको मजबूती से पकड़ा विद योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से. मार्क इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्रीज को मार्क किया तो हमें इस तरह की एक शेप निकल कर आई, दैट इज सर्कल. अ सर्कल हैज नो साइड. सबसे पहले देखते ही पता चल रहा है कि जैसे ट्राइंगल में थ्री साइड्स थी, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फोर साइड्स थी, यहाँ पर कोई साइड नहीं है. अ सर्कल हैज नो वर्टेक्स और कॉर्नर्स. कोई भी वर्टेक्स और कॉर्नर नहीं है. आप किसी भी पॉइंट से शुरू करिए, आप घूम कर वहीं आ जाएंगे. अ सर्कल हैज अ कर्व्ड सरफेस. इसका कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, प्लेन नहीं है, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं है. कैसा है, कर्व्ड सरफेस है. ओके, इफ स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी.